कसम की कसम हम तेरे हैं हम बात मेरी माँ। Hey guys, once again, good morning. Welcome to a new vlog. तो अभी चलते हैं हम पटना, आज मम्मी के साथ चलते हैं थोड़ा सा स्टेशन तक, क्योंकि मम्मी अब जा रही है पढ़ाने। आज चलते हैं मम्मी के साथ। तो मम्मी बस के वेट कर रही है, अभी बस आने वाली है कुछ देर में। तो मम्मी बस पकड़ ली और हम ट्रेन पकड़ के फिर पटना जा रहे थे। तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार। डी ब्लॉक ही उतर गए थे क्योंकि ट्रेन वहीं पर रुक गई थी, तो वहीं पर उतर गए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं आर ब्लॉक से जाएंगे जेपीओ ग्लम्बर जाने के बाद वहाँ से बस पकड़ के जाएंगे हम कुर्ज चलता, और बगल में पूरा पार्क है। और ठंडा खत्म हो गया और गर्मी आ गया, बहुत दिन से मन कर था लस्सी पीने के लिए, और हम लस्सी ले लिए और लस्सी पी लेते हैं क्योंकि अब ठंडा तो खत्म हो गया। ऐसा सर्दी हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, पी लेते हैं। जेपीओ ग्लम्बर से बस पकड़ के जा रहे कुर्जी। तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया। गाइस पटना से भी आए हैं और एक दोस्त आया है, अभी जा रहे हैं गृह प्रवेश में, तो बोला कॉल के कहा आओ घूम रहे थे, फिर चलते हैं गृह प्रवेश। हे गाइस, तो अभी हम आए हैं गृह प्रवेश में, तो मेरे दोस्त गांव के सौरभ मिले हम, और अब हम लोग खाना खाने चलते हैं। खाना खाने के चले गए हैं गाँव, तो सौरभ खाना खा लिया लेकिन हम गाँव जा रहे हैं, तो छोड़ आते हैं बाहर। जी बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, और ये आते नहीं है गाँव पे, आरा डेरा पे। कब आइए गाँव डेरा पे? अगले साल। क्या नाम है भैया? क्या प्रज्ञा भैया का नाम है। भैया कब आओगे मेरे डेरा पे? आप बुलाते ही नहीं तो कैसे आएंगे? आप तो बुलाते हैं जब आते नहीं है। कब आओगे? कब आइएगा बताइए, आप वीडियो के साथ हम रेंट पे आएंगे आपके यहाँ। हम और सौरभ और दिया जी चलते हैं घर, तो अभी अपना बाइक निकालते हैं फिर। अभी मान ली और बुल्लू भैया और अजय भैया भी आए हैं, अब पूरी खा के भी तो पीछे से भैया का रसमलाई पे चलता। अरे रसमलाई ले ले चार गो, ये ले रिंगिंग करती है छोटे में तो बोल ले छोड़ देता है। पिया कर चल, ज्यादा पी ले लेना। है बोलू भैया जमो छोड़वाओ मुझे। गाँव के लोग आए थे बहुत, और अजय भैया और ब्लू भैया, और मतलब बहुत लोग आए थे, तो बहुत मस्ती हुआ आज उनके साथ। और गृह प्रवेश में लोग गए थे तो हम भी गए थे, थोड़ा थोड़ा मस्ती हुआ उनके साथ। और बहुत अच्छा लगता है जब गांव के लोग आते हैं और मिलते हैं, क्योंकि गांव जाए हुए भी दो चार दिन हो ही जाता है, तो गांव के अगर लोग आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और पहले से हमको पता नहीं था कि गृह प्रवेश है, लेकिन सुबह में बाबा बोले थे हमसे कि गृह प्रवेश से एक चले जाना, लेकिन हम पटना से आए तो हमको याद ही नहीं पड़ा गृह प्रवेश में जाना है। लेकिन लास्ट में सौरभ कॉल करके बोला कि हाँ गृह प्रवेश से आओ, तो फिर हम चलते थे गए थे गृह प्रवेश। गाइस ब्लॉग एंड करते हैं, आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे जरूर करना। थैंक यू।